सी जनुकरी थी। तो आज हम बनाने वाले हैं डेरी मिल्क, वो भी पॉपेट में। तो कमेंट में मुझे सबसे पहले बताओ कि आप लोगों का फेवरेट पॉपेट शेप कौन सा है। हार्ट, स्क्वायर, बटरफ्लाई, बहुत कुछ आते हैं यार अब तो। पर हम ना डेरी मिल्क नॉर्मल वाला नहीं बनाने वाले, हम बनाने फ्रूट एंड नट डेरी मिल्क, क्योंकि ऑब्वियसली सिंपल डेरी मिल्क क्यों बनाएंगे हम। तो मतलब ये 40 साल डेरी मिल्क को हमने महंगा वाला डेरी मिल्क बना लिया। एनीवे, तो हमने इसमें डाल दिया बहुत सारे नट्स, डाल दिए इसमें हम, आपको जो भी पसंद हो, आलमंड, कैश्यू, पिस्ता विस्ता जो भी डालना हो सब कुछ डाल सकते हैं। हम सारे डाल दिए और इसे पॉपेट में अच्छे से डाल दिया और टैप कर दिया। और देखो यार, मुझे लगता है कि हमने थोड़ा सा ज्यादा ही डाल दिया, ओवरलोड कर दिया। और हाँ गाइज, हमारा जो चैनल है लाइफ शॉर्ट्स, उस पर एक नया वीडियो आने वाला है, तो वो मिस मत करना। कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो मिस मत करना। एंड जस्ट लुक एट दिस, हमारे ये पॉपेट कितने अच्छे से निकल गया, बस ये एक बार टूट गया साइड से। बट एनीवेज, खाने के लिए तोड़ना ही पड़ता है। और ये देखो ड्राई फ्रूट्स बड़े अच्छे दिख रहे हैं, पर टेस्ट भी बहुत अच्छा था। सब्सक्राइब कर लो, बताओ नेक्स्ट क्या बनाए। बाय।